नमस्कार, जेएमडी के पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक मुद्दे पर अपनी ठोस पहल शुरू कर दी है। पिछले दिनों भ्रष्टाचार पर और उसके बाद अब शिक्षा पर, संस्कृत शिक्षा परिषद के गठन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही बड़ा अहम भाषण दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा पिछली सरकारों में उपेक्षित रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में पिछले 17 सालों में अराजकता की स्थिति रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में माफियाओं ने प्रकृति को ही बदल दिया। सीधा सीधा मतलब था, जो शिक्षा थी वो एक विशुद्ध व्यापार बनती जा रही है। ये भी कहा उन्होंने कि शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन हमारी सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देगी। हमने नकल विहीन परीक्षा कराई है, नहीं तो नकल के ठेके चलते थे, ठेके चलते थे। सवाल ये है, क्या वास्तव में योगी सरकार में शिक्षा का महत्व बढ़ा है? क्या वास्तव में विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण बना है? क्या वास्तव में विद्यालयों में बच्चों को ड्रेस, कॉपी, किताब समय पर मिल गई है? क्या वास्तव में शिक्षा का सत्र नियमित हो गया है? और क्या वास्तव में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी हो गई है? और क्या वास्तव में एक अच्छे शैक्षिक वातावरण में लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ये बड़े ही अहम सवाल हैं जिन पर हमने आम जनता की आम राय ली है, और इसी आम राय को चलने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं फतेहपुर, और फतेहपुर की जानते हैं आवाज़। शिक्षा का तो महत्व गिरा है, नहीं बढ़ा, कतई नहीं बढ़ा, और बच्चों का फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो रहा है। जो बच्चों को उन्होंने लालसा दिखाई थी कि अच्छे नंबर लेके आओ, तो जरा ये देखिए, इतनी शक्ति बढ़ा दी गई, सिर्फ जो बीजेपी के लोग थे उन्हीं को जो महत्व मिला है। अदर लोगों के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, खुद मालूम हो जाएगा आपको। स्कूल वाले ही ठेके लेते थे, सरकार से इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। सरकार तो अपना पूरा अंकुश रखती थी, सरकार हमेशा जो है कभी पक्षपात नहीं उसने किया। अब वो कोई विद्यालय ऐसे हैं कि जिन्होंने माँ बाप से ठेका ले लिया कि हम 100% नंबर लाएंगे, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है, अब विद्यालयों में नहीं चल पा रहा है। मगर उसकी जगह पर जो सरकारों ने लालसा दिखाई थी युवाओं को नौकरी देने के लिए, तो शिक्षा का महत्व तो बढ़ाया मगर युवाओं को बर्बाद कर दिया, उनको जॉब नहीं दे पा रहे हैं। असल प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है। हमारी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया हमको, जो पिछले होता रहा वो अभी भी होता चला। हाँ, योगी सरकार ने शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है जो गरीब है, जो अपनी पढ़ाई खर्चा नहीं उठा सकते। इसके पीछे हमारी सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और हमारे देश में कोई भी अनपढ़ ना रह सके। और हमने यह भी देखा कि अभी कुछ महीने पहले ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट सामने आया, जिसमें हमारी सरकार ने उन सभी बच्चों को पुरस्कृत किया जिन्होंने यूपी में टॉप किया था। इसके पीछे भी हमारी सरकार का यही मकसद था कि उन्हें देखकर बाकी बच्चे भी कुछ सीखें और उनमें भी कुछ नया करने का जोश लगे। और अगर बात नकल विहीन परीक्षा की जाए तो पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रोक लगी है नकल में, क्योंकि इस बार ज़्यादातर सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा लगे थे, जिसकी वजह से बच्चे नकल करने से रुक सके। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार को इसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। योगी सरकार में शिक्षा के महत्व को लेकर अगर यदि हम बातचीत करें, तो आज के समय में देखा जाए तो शिक्षा जो है युवाओं के लिए या सभी के लिए बहुत ही मुख्य विषय है।
व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो समाज में कोई भी काम अच्छे ढंग से कर सकता है। इस वजह से योगी सरकार ने शिक्षा में बहुत ही बड़ा व्यापक परिवर्तन किया। उन्होंने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे परिवर्तन कर डाले। इंटर कॉलेज हो गया या डिग्री कॉलेज हो गया, इन विद्यालयों में उन्होंने CCTV फुटेज कैमरा की व्यवस्था की, जिससे नकल विहीन परीक्षा करवाई जा सके। क्योंकि अभी तक हम पिछले सत्रों में देखते थे या पिछली सरकारों में देखते थे, शिक्षा के लिए कोई इस ढंग का एक्शन नहीं लिया गया। योगी जी ने हम युवाओं के लिए जो ये काम किया है, वास्तव में ये बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। की सरकार में शिक्षा का महत्व काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारों में शिक्षा माफियाओं के गिरफ्त में थी और वो केवल व्यवसाय बन के रह गया था। योगी सरकार में नकल विहीन परीक्षा करा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है और इससे शिक्षा का महत्व भी बढ़ा है। में काफ़ी कुछ शिक्षा का महत्व बढ़ा है और परीक्षा जो नकल विहीन परीक्षा का जो दावा कर रही थी सरकार ने उसको भरसक प्रयास किया, लेकिन इसको पूर्ण रूपेण कहा जाए कि नकल विहीन परीक्षा हुई ये भी निश्चित उसको सही ढंग से नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि परीक्षाओं में CCTV कैमरे लगे हैं, लेकिन परीक्षा जो परीक्षार्थी होते हैं और जो उसके गाइड होते हैं गाइडर, वो जा करके बाहर से खिड़कियों से अपना बोल करके परीक्षा में उनकी सहायता करते हैं, जिसको ये पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता है कि नकल विहीन परीक्षा हुई। कुछ इसमें सुधार हुआ ये सत्य है, लेकिन शासन प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये कहे कि हमने पूरी तरीके से इसमें पारदर्शिता ला करके हमने परीक्षा को पूर्ण कराया और बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा हुई, ये कहना असंयुक्त होगा। रूप से योगी सरकार ने शिक्षा का महत्व बढ़ाया है, जिसका कारण नकल विहीन परीक्षा है, लेकिन अभी भी शिक्षा में गुणवत्ता की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा माफिया पैसे के दम पर इन प्रकार नए नए रास्ते निकालते रहते हैं, जिससे पिछली सरकारों में स्वकेंद्र परीक्षा होने के कारण शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर हुई थी। आपने सुना फतेहपुर की आवाज। फतेहपुर का कहना है कि निश्चित रूप से योगी सरकार में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नकल विहीन परीक्षा नहीं हुई है। माफिया ठेकेदार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, CCTV कैमरे से दूर होकर के खिड़कियों से नकल कराई गई इस बार, और छात्र छात्राओं को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे नहीं मिली हैं। इनका यह भी कहना है कि शिक्षा का महत्व तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जॉब के अवसर नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण पढ़ा लिखा शिक्षित युवक परेशान है। उस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। और साथ में एक और बड़ी बात कही गई, ठीक है आपने नकल विहीन परीक्षा करा दी है जो पूरी तरीके से खड़ी नहीं उतरी है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। जब तक शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, तब तक सारे प्रयास निरर्थक होंगे। आइए सुनते हैं कन्नौज की आवाज। बिल्कुल बड़ा, इस सरकार में शिक्षा का महत्व तो इस बार क्या, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा के लिए महत्व के लिए जानी गई है, और यही एक पार्टी ऐसी है जिसमें
नकल विहीन हमेशा परीक्षा हुई है और हमेशा शिक्षा के महत्व को वरीयता दे के ही काम किया गया। बिल्कुल, जो शिक्षा का महत्व था वो पिछली सरकारों में बिल्कुल माइनस होते हुए चला गया और पूर्णतः परीक्षाएं नकल पर होने लगीं, जिससे शिक्षा का महत्व लगातार घटता चला गया। कोई भी स्कूल जहां बगैर नकल के परीक्षा होती हो, क्योंकि पिछली सरकारें जो थीं उनके कार्यकर्ताओं के ही कॉलेज होते थे और उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता था नकल कराने के लिए, जिससे उनकी अच्छी इनकम हो सके। शिक्षा का महत्व, योगी सरकार ने 95% शिक्षा में नकल विहीन कर दी। शिक्षा को प्रभावित किया, उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश हैंग कर लिया था माफियाओं ने। उन्होंने प्रदेश भरे का ठेका ले थे, उनकी समाज के जो समाजवादी लोग थे उनके पूरे उत्तर प्रदेश का ठेका ले लिया था उन्होंने। और लिया था कि उनकी समाज में शादियां नहीं होती थी तो पास हो जाएंगे, नौकरियां लग जाएंगी पुलिस में किसी में किसी में, और शादी हो जाएगी। 95% 5% में जो इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने नकल कराई वो पकड़े गए, जेल गए। असमंजस में क्या, बिल्कुल असमंजस में थी। और पूरे प्रदेश में आज बच्चे कहीं दूसरे प्रदेश से कंपटीशन में बैठा दिए जाएं तो 0% में रहे। योगी सरकार में शिक्षा का महत्व, जैसे कि पिछली सरकारों में शिक्षा की जो अरेंजमेंट्स होते थे, व्यवस्था होती थी, वो बहुत ही लूज होती थी, लेकिन जब से हमारी योगी सरकार पावर में आई है तब से उन्होंने शिक्षा में एक व्यापक परिवर्तन किए हैं। बहुत से क्या माफी बिल्कुल प्रभावित किया था पिछली सरकारों में, जैसे बाज़ारों में दुकानें जैसे खोल दी जाती हैं, जब मन चाहता है जो आदमी दुकानें लेके अपना व्यवसाय स्टार्ट कर देता, उसी टाइप से पिछली सरकार में बिना किसी पर्टिकुलर पर्सन का बैकग्राउंड देखे उसको उसके स्कूल और कॉलेजों को मान्यता दे दी जाती थी, और इससे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बिगड़ती थी, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी बच्चों को। क्या पिछली सरकार कुल नकल के ठेके चलते थे ना, प्रॉपर CCTV कैमरा सेंटर पे लगाए जाते थे जिससे उसकी पकड़ मजबूत हो अधिकारियों की, देख सकें कि यहाँ पे कौन से सेंटर पे कौन क्या नकल हो रही है, क्या हो रहा है। तो बहुत ही लचर व्यवस्था थी पिछली सरकारों में। क्या इस बार नकल विहीन परीक्षा होगी? बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा होगी, जैसा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हमारे देश को क्वालिटेटिव एक एजुकेशन देने का, तो वो इसकी तरफ अग्रसर हैं और प्रतिबद्ध हैं। इसका एक जीता जागता प्रमाण यह है कि अब की बार जितने भी एग्ज़ाम माध्यमिक और प्राथमिक लेवल पर हुए हैं तो उसमें उसके सारे सेंटर्स में एक हर सेंटर में हर कमरे में CCTV कैमरे लगे थे और PAC और हर तरीके की आधिकारिक प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से की गई थी। तो मैं स्पष्टता कह सकता हूं विश्वास से कि इस बार बिल्कुल भी नकल विहीन परीक्षा हुई है। बिल्कुल बढ़ा है, बढ़ना भी चाहिए। पढ़ने वाले लड़कों में एक विश्वास जगा है कि मैं जो मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, उसका सही अब हमको रिस्पांस मिलेगा। जो लड़के पढ़ाई नहीं करते थे, नकल के बल पे परीक्षा पास कर लेते थे, अब उनकी ये भ्रांति दूर हुई है कि मैं नकल करके पास हो जाऊंगा। अब वो पढ़ने के लिए अब आतुर हुए हैं, पढ़ते हैं, उनके अंदर ये बात बैठ गई है कि बिना पढ़े हुए मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल महत्व बड़ा है योगी जी की सरकार। और कन्नौज ने भी स्वीकार कर लिया है कि योगी सरकार में शिक्षा का महत्व बढ़ा है। इतना ही नहीं, मेधावी छात्र छात्राओं में विश्वास जगा है कि अब हम जितना पढ़ेंगे उतना हमको फल मिलेगा, हमको नौकरी मिलेगी। और कन्नौज ये भी कह रहा है
कि योगी और मोदी सरकार ने जो गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए सपना दिखाया था उस ओर अब कदम बढ़ने लगे हैं। नकल विहीन परीक्षा निश्चित रूप से 100% खरी नहीं है, लेकिन 95% परीक्षा खरी उतरी है। ये भी कहा है पिछली सरकारों में क्या होता था, असमंजस की स्थिति बनी होती थी, नकल के ठेके लिए जाते थे, स्कूल कॉलेजेस ऐसे खुल जाते थे जैसे दुकानें खुल गई, कोई योग्यता नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, और विद्यालय को खोल दिया गया और विद्यालय को खोल करके व्यापार चलाया गया। इसलिए शिक्षा का स्तर गिरा, काफ़ी गिरा पिछली सरकारों में, लेकिन योगी सरकार ने जो महत्व दिया है शिक्षा को उससे अब नई नई संभावनाएं पैदा हुई हैं, नया विश्वास पैदा हुआ है, नई जोश की ओर लोग बढ़ रहे हैं, और जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं उनमें जुनून पैदा हो रहा है। ये है नया आकलन योगी सरकार के शिक्षा के प्रति लगाव पर आम जनों का। आइए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद फिर आपको सुनाएंगे आम जन की आवाज। मुस्कान स्माइल करेगी, चिंटू चीकू चंदू भी स्माइल करेंगे, फिर चंदू के चाचा, चाचा की मामी, मामी का ब्रदर, ब्रदर की राखी सिस्टर भी स्माइल करेगी, पूरा भारत स्माइल करेगा भाई, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बटर से भरा ब्रिटानिया गुड डे अब सिर्फ 5 रुपए में, तो चलो इंडिया लेट्स हैव अ गुड डे। क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, योग की, योगी की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर में रहिए। शायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्यौहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पब्लिक फोरम में चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की,
और शिक्षा ही किसी भी देश के विकास की सबसे पहली सीढ़ी होती है। हमारे देश में तो नहीं, लेकिन जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, जहाँ जहाँ भी आप देखिए, वहाँ पर शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और ख़ास तौर से उच्च शिक्षा को महत्व दिया जाता है। और इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि उच्च शिक्षा जितनी मजबूत होगी, उच्च शिक्षा जितनी सुदृढ़ होगी, उच्च शिक्षा जितनी दिशा की ओर होगी, उच्च शिक्षा जितनी शोधपरक होगी, उतना ही हमारे देश का विकास होगा। इसीलिए वो लोग बजट पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं उच्च शिक्षा की ओर। लेकिन काश हमारे देश में ऐसा नहीं होता। हमारे देश की जो उच्च शिक्षा है वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। डिग्री कॉलेजेस हैं लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, और वहाँ पर इतने शिक्षक भी नहीं होते हैं कहीं कहीं कि पता लगे पूरी की पूरी फैकल्टी में ही टीचर नहीं है, कौन पढ़ाएगा। वही हालत कभी कभी मेडिकल कॉलेजेस की हो जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की होती है। जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ की तो फैकल्टी बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए एक नया प्रयोग शुरू हो रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जगह पर उच्च शिक्षा आयोग के गठन की चर्चा हो रही है, एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। ये तो वक्त बताएगा कि जो उच्च शिक्षा आयोग है वो किस क्या कर पाएगा। ये तो अभी बहुत कुछ सोचने और विचारने के लिए है, लेकिन प्रयास तो शुरू हुए हैं, और इस प्रयास से आम जन में एक नया विश्वास भी पैदा हुआ है। जैसा कि आपने अभी तक देखा, आइए हम चलते हैं कानपुर और वहां की आवाज सुनते हैं। योगी सरकार में बाकायम शिक्षा का महत्व तो बढ़ा है, और जो आपने देखा था शिक्षा के जो माफिया सालवर गैंग के जो पूरे प्रदेश में सक्रिय हुआ करते थे और पैसे लेकर बच्चों को शिक्षा के बारे में उल्टा सीधा पेपर पास कराते थे, आज 2.5 लाख बच्चे प्रदेश में इस बार उन्होंने सालवर गैंग करवाता था उनकी रोक के वजह से वो नहीं शिक्षा वो पेपर नहीं दे पाए। ये एक मोदी योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। ये तो आपने देखा था अभी जो इम्तहान हुए हैं, तो आपने देखा था हमारे जो इसके मंत्री हैं दिनेश शर्मा जी ने कितने कड़ाई से उसका पालन कराया जी। इससे शिक्षा का बहुत बड़ा स्तर बढ़ा है जी। माफिया, शिक्षा माफिया है, क्या लगता है प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में? देखो, जो भी माफिया हो चाहे जो भी हो, जो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे वो हमारी सरकार में वो कर नहीं पाएगा। बात अगर पिछली सरकारों की जाए तो क्या लगता है नकल के ठेके लिए जाते थे? देखिए, मैं जब से महापौर हूँ मैं पिछली सरकार की आलोचना अगर करूँगी तो कई दिन निकल जाएंगे, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी सरकार की बात करना चाहती हूँ कि मेरी सरकार हमेशा आदमी को मकान, रोटी, कपड़ा, शिक्षा ये मिले, इस व्यापक चिंता करती है। सरकार में शिक्षा में व्यापक परिवर्तन, बहुत परिवर्तन हुआ, देख रहे हो आप। माफियाओं का रोल क्या है? अभी काफ़ी स्तर उनका कम हुआ है, सपा सरकार में काफ़ी ऐसी दिक्कतें आती थी, उनका स्तर काफ़ी कम हो गया है, हम लोगों पर कोई दबाव नहीं रहता है, हम लोग खुले मन से शिक्षा को बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए, इस विषय में कहना कुछ सही नहीं होगा, लेकिन हमारे स्तर से ऐसा कुछ नहीं था, हमारा परिषदीय कार्य है, वहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है इस प्रकार का, और बाकी सब शिक्षक स्तर उत्तम है पिछली सरकारों से। इस बार की परीक्षाओं की बात की जाए तो क्या लगता है नकल विहीन परीक्षा? पूरा समाज उसमें एक अच्छे प्रगति की ओर है, सरकार काम कर रही है। प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में माफियाओं का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उच्च में पिछले स्तर पर रहा होगा लेकिन इस स्तर पर अब नहीं है फिलहाल। पिछली सरकारों को मुकाबला अगर किया जाए, इस सरकार में काफी कंट्रोल है। पिछली सरकारों में क्या ठेके पे नकल कराई जाती थी? पहले नकल तो होती ही थी काफी, पहले बच्चा हताश होता था, अब नहीं हताश होता है।
नहीं, योगी जी ने शिक्षा व्यवस्था जो लागू की है वो अच्छी है, मतलब लाभदायक है, लेकिन बस कमियां ये हैं कि जो अध्यापक पढ़ाते नहीं कायदे तो उन पे और कंट्रोल किया जाए ज़्यादा अच्छा है, जो है नकल नहीं हो पाती एग्जाम्स में पेपर में, तो बहुत अच्छी बात है जो लागू किया, लेकिन बस ये कमियां हैं कि जो अध्यापक जो पढ़ाते नहीं कायदे से पढ़ाते नहीं, समय से नहीं आते विद्यालय, उन पर कंट्रोल और किया जाए ज़्यादा अच्छा होगा जो है। स्कूल जाते हैं वहाँ पे मास्टर आते नहीं हैं और पढ़ाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं वहीं पे आके कुर्सी पे, फ़ोन में लगे रहते हैं। योगी जी को ये सब लगाम लगानी चाहिए, मास्टरों को टाइट करना चाहिए, समय से आते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं बच्चों। हम ये मानते हैं स्कूल में तो अध्यापक आते नहीं हैं, आते हैं तो बैठे रहते कुर्सी पे और बच्चे जाते हैं स्कूल खेल कूद के चले आते हैं वहाँ से। क्या मौजूदा सरकार में शिक्षा का जो इस तरह सुधरा है? सुधार तो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो कोई सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई कोशिश करें और बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई करें। आपने सुना कानपुर और कानपुर के साथ में कानपुर देहात की आवाज़ को भी सुना। कानपुर की आवाज़ में एक विशिष्ट आवाज़ थी, वो थी महापौर प्रमिला पांडे की। उन्होंने कहा हमारी सरकार में तो बहुत कुछ हो रहा है, पिछली सरकार की अगर बात करेंगे तो कई दिन चले जाएंगे, लेकिन हम पिछली सरकार की बात नहीं करते, हम तो इस समय की बात कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ सुधार हो रहा है। जो भी शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आड़े आएगा, सरकार उसे सख्ती के साथ निपटेगी। और उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास शिक्षा का भी प्रभाग है, डॉक्टर दिनेश शर्मा का, और कहा दिनेश शर्मा बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कानपुर के लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से उम्मीदें जगी हैं, नकल पर रोक लगी है, लेकिन कानपुर देहात की आवाज़ गजब की है। कानपुर देहात के लोग कह रहे हैं बेचारे बड़े, देखिए आपने देखा होगा कितने सामान्य हैं, गरीब लगते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका दर्द सुनिए। कह रहे हैं कि योगी सरकार ठीक है, स्तर सुधारने में लगी हुई है, लेकिन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। और उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे अध्यापकों पर ठीकरा फोड़ दिया, कहा एक तो आते नहीं हैं अध्यापक, आते हैं तो कुर्सी में बैठे रहते हैं, फोन किया करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, परिणाम स्वरूप बच्चे खेलते कूदते स्कूल से सीधे घर चले आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि जरा इस ओर ध्यान दें और कड़ाई करें ताकि विद्यालयों में पठन पाठन का काम ठीक तरीके से चले। सिर्फ नकल विहीन परीक्षा कराने से काम नहीं चलेगा। नकल विहीन परीक्षा अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन इतना भी ध्यान रखिए अगर विद्यालयों में शैक्षिक माहौल नहीं होगा, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होगी, विद्यालयों में प्रयोगशालाएं ठीक नहीं होंगी, विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे, अगर हम आज से बात करें कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का, तो आप हैरत में रह जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे डिग्री कॉलेजेस हैं जहाँ पर 40% 50% शिक्षकों की कमी है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये है मजबूरी, और उसका कारण क्या है? उच्च शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जिस गति से काम करना चाहिए वो गति से काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में निश्चित रूप से होगा और मुख्यमंत्री को इस दिशा में प्रयास करने होंगे। यदि वे वास्तव में चाहते हैं कि शिक्षा का महत्व बढ़े, और शिक्षा का महत्व बढ़े यानी इस प्रदेश का विकास हो,
ये प्रदेश सुख और समृद्धि की ओर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा का स्तर भी बढ़े, शिक्षा गुणवत्ता वाली हो और विद्यार्थियों को सुशिक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, चाहे उसके घेरे में कोई भी आए, प्रबंधक आए, कर्मचारी आए, शिक्षक आए, अधिकारी आए, उनके साथ किसी भी प्रकार की मरोवत करने की जरूरत नहीं है, शिक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत है। पब्लिक फोरम की यही मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज।